नमस्कार दोस्तों, आज हम मिर्ची बनाएंगे दही वाली। मैंने दही लिया है एक आधा कटोरी और 10-12 लहसुन की कली है, इसको अच्छा सा कूट के रखा है। और 1 पाव किलो हरा मिर्ची है, मोटा वाला है, मैंने राउंड कटिंग करके रखा है। आप चाहो तो कैसा भी कट करके रख सकते हैं। अब हम सबको बाजू में रख देंगे। अब हम सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप कौन सा भी ले लीजिएगा। तीन चम्मच ऑयल लिया है मैंने। ऑयल को अच्छा सा गर्म होने देना है। देखिए ऑयल भी गर्म हो गया है। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच लहसुन डाल देंगे कूटा हुआ, अच्छा सा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे लहसुन को भी। अब हम हरा मिर्ची डाल देंगे। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हरा मिर्ची को। थोड़ी देर पकाएंगे इसको, इसी प्रकार चलाते हुए 1 मिनट पका लेना है। गैस की आंच मीडियम रखना। देखिए 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसके अंदर सूखा मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा। मसाले को भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा करना है। थोड़ा सा पानी डालने से मसाला नहीं जलेगा इसीलिए, और मिर्ची भी अच्छा सा पकेगी। अब इसको 2 मिनट और पकाना है मीडियम गैस पर। देखिए दोस्तों 2 मिनट के बाद अच्छी सी मिर्ची भी थोड़ा पक गई है। अब हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही को भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको चलाते हुए पकाना है, जब तक पूरा सब्जी एकदम बॉईल आना शुरू हो जाते हैं जब तक पकाना है इसको। इसी प्रकार चलाते हुए ऐसे छोड़ देते हैं तो दही भी फट जाता है और सब्जी अच्छी नहीं बनती है, इसीलिए इसको चलाते हुए पकाना है। देखिए दोस्तों दही में भी उबाल आ गया है। 2-3 मिनट और पकाना है। देखिए दोस्तों 2-3 मिनट के बाद सब्जी बनकर रेडी है। गैस को बंद कर देंगे। थोड़ा सा लहसुन है कूटा हुआ कर लेंगे। लहसुन से अच्छा टेस्ट आता है मिर्ची में। आप चाहो तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। लीजिए दोस्तों दही वाली मिर्ची बनकर रेडी है। आप भी इसी प्रकार एक बार जरूर बनाएगा दोस्तों, बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप इसको रोटी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगेगी। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।